Hey guys and welcome back to the channel. So guys, बाहर ना बहुत तेज़ बारिश आ रही है और इस बारिश के कारण ना मेरा गला ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. ख़त्म इन द सेंस कि ना मेरे से ना बोला ही नहीं जाता बिल्कुल भी अब. और रात को तो इतनी बुरी हालत होती है ना गाइस, मैं क्या बताऊँ. सो गाइस चलो, बारिश के मौसम में आज आप बनाते हैं गर्मा गर्म वड़ा पाव की रेसिपी. सो गाइस, वड़ा पाव का आइडिया मैं बताऊँ कहाँ से आया मुझे. मैं ना आज यूट्यूब पे वीडियो देख रही थी, बॉम्बे की जो फिल्म सिटी है ना वहाँ की मैं वीडियो देख रही थी और उसके अंदर ना मुझे वड़ा पाव दिख गया. तो मैंने कहा भाई, मैंने अपने चैनल पे ना एक भी वड़ा पाव की रेसिपी लेके आई. तो गाइस फिर ना मैंने बहुत रिसर्च करी, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आज हम बनाते हैं बॉम्बे जैसा ही स्ट्रीट फूड वड़ा पाव, वो भी घर पे ही. तो गाइस जिसके लिए ना यहाँ पे आप देख ही सकते हो, एक पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, उसके अंदर मस्टर्ड सीड्स ऐड कर दिए हैं, थोड़ा सा हींग डाल दिया है, कड़ी पत्ते डाल दिया है और यहाँ पे प्रिपेयर्ड पेस्ट डाल दिया है मैंने, जो कि प्रिपेयर्ड पेस्ट वो वाला था, अदरक मिर्च और लहसुन का जो पेस्ट बनाया था अपन ने अभी वो ऐड किया था. उसके बाद गाइस इसके अंदर ऐड करो अपना नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल दो इसको और फिर मिक्स करो अच्छे से. और गाइस जब तक आपकी हल्दी ना अच्छे से ऑयल के अंदर भून नहीं जाती ना, तब तक आपको इस मसाले को बनाना है. और जैसे ही हल्दी भून जाए आपकी, आपको खुशबू आने लग जाएगी ना जैसी, उसके बाद ऐड करो अपने बॉइल्ड पोटैटोज. जी हाँ, पोटैटोज को ऐड करने के बाद आप इसको करो गाइस फिर से मिक्स. और जब तक आपके पोटैटो येलो येलो ना हो जाए ना, तब तक इसको हिलाते रहो. और गाइस लास्ट में ऐड करो थोड़े से धनिया और ऊपर से डाल दो चटपटा लेमन, क्योंकि गाइस लेमन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है वड़ा पाव के अंदर. बट हाँ, अगर आपका गला ख़राब है तो प्लीज़ लेमन मत डालना. मैंने वड़ा पाव बिल्कुल भी नहीं खाया, मेरा गला ख़राब था ना, फिर मुझे मिला ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर लेमन बहुत ज़्यादा डाला हुआ था. इसलिए तो अपने गला का ध्यान रखना, स्पेशली शरीर का ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है टेस्ट से ज़्यादा. तो आप लोग भी अगर बताओ मुझे कि अगर आप लोगों का भी गला ख़राब है मेरी तरह, तो कोई ना गई साथ में ही अपा ठीक होंगे. तो चलो नेक्स्ट सेकंड प्रोसीजर पे जाते हैं आपा. सेकेंडली गाइस मैंने यहाँ पे क्या किया, आपा को वड़ा पाव के अंदर डालने के लिए जो पकौड़ा आता है ना आलू वाला, तो वो तैयार करना है. तो जिसके लिए मैं ना मैंने यहाँ पे बेसन लेके थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया, थोड़ी सी मिर्च डाल दी. और गाइस इन सारी चीज़ों को ना मिक्स करने के बाद आप ना इसके अंदर ऐड करो पानी. गाइस सिंपल आपा जैसे पकौड़े बनाते हैं ना आलू के, मिर्च के, प्याज के, वैसे ही आपा जो पकौड़ों का मिक्सचर के लिए जो बेसन घोलते हैं ना उतनी ही कंसिस्टेंसी का होना चाहिए. और उसके बाद गाइस अपने आलूओं को भिगो के उसमें डाल दो और तल लो. ओके, और उसके बाद गाइस दूसरे पैन के अंदर थोड़े से घी लेके उसके अंदर पीनट्स और ये गार्लिक को है ना रोस्ट कर लेना, उससे भी बड़ा मस्त सा टेस्ट आता है. और गाइस अगर आपने कभी वड़ा पाव खाया होगा बाहर जाके रोड पे खड़े होके, तो गाइस आपने देखा होगा कि वो भैया है ना कुछ मसाला सा डालते हैं, है ना. मुझे भी आज तक वो पता नहीं लगा कि कौन सा मसाला है. बट हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ वाला मसाला कैसे बनता है. ऐसी ऐसी शक्ल होती है ना मसाले की. सो गाइस ये वाला मसाला बनाना ना बड़ा आसान है. देखो अपने मिक्सी के अंदर ना जो अपने पीनट्स रोस्ट किए थे वो डाल दिए, गार्लिक रोस्ट किया था वो डाल दिया, उसके बाद बेसन का बचा हुआ चूरा था वो डाल दिया और इन सारी चीज़ों का ना ग्राइंड कर लिया अच्छे से और ये वाला मसाला बनकर तैयार हो गया. ये वाला ना बड़ा सीक्रेट सा मसाला होता है भैयाओं का और इसी मसाले की वजह से ना बहुत ही मस्त सा टेस्ट आता है. और गाइस यहाँ पे ना फिर मैंने ले लिया है पाव. पाव को उसी मसाले के साथ अच्छे से घी के अंदर सेक लिया और उसके बाद गाइस कुछ नहीं करना, आप रखो अपने ये जो आपने पकौड़ा बनाया था वो. और गाइस देख रहे हो मस्त सा गर्मा गर्म वड़ा पाव रेडी है. और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड शेयर कर देना.